में कल मुख्यमंत्रियों का मेला लगेगा। कई सीएम आज ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक इस समय दिल्ली में हैं। कल पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होनी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि दीदी ने बैठक से पहले ही अपने तेवर दिखा दिए हैं। दीदी का अल्टीमेटम क्या दिल्ली की टेंशन बढ़ाने वाला है? আমি যাচ্ছি কিছু ফোন থাকবো ভয়েস রেকর্ড করতে দিলে রেকর্ড করব না হলে প্রতিবাদ করব করে বেরিয়ে আসব সুতরাং চেষ্টা করব আমার স্টেটের হয়ে কথা বলা। মমতা या तो गर्जेंगी या फिर विरोध जताकर लौट जाएंगी। इसी तेवर के साथ दीदी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने दिल्ली आई हैं। इस बैठक में चर्चा तो इस बात पर होनी है कि राज्यों में विकास के कार्य कैसे तेजी से हों, लेकिन ममता का मूड देखते हुए लग रहा है कि कहीं ये बैठक मोदी बनाम ममता या कहें बीजेपी बनाम बंगाल में न बदल जाए। दिल्ली आने से पहले ही ममता ने कोलकाता में अपना एजेंडा साफ कर दिया। दीदी के एजेंडे में दो बड़े मुद्दे हो सकते हैं। पहला मुद्दा बजट में बंगाल से भेदभाव, आरोप केंद्र पर ममता बनर्जी लगा रही हैं और हो सकता है कि केंद्र सरकार से बंगाल के लिए वो 1,71,000 करोड़ रुपए की डिमांड भी करें। और दूसरा बंगाल के विभाजन का मुद्दा, जिसको लेकर दीदी मोदी सरकार से अपना रुख साफ करने की मांग रख सकती हैं। When parliament is in process, he is making his own statement to divide the Bengal. And now from different sources, different party member is giving different type of statement. To divide Bihar, to divide Jharkhand, to divide Assam, to divide Bengal. We strongly condemn this attitude. Divide Bengal, to divide Bengal means divide our country India. We don't support this. दरअसल केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने नॉर्थ बंगाल को नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा बनाने की मांग की थी। इस बयान के आधार पर दीदी कह रही हैं कि बीजेपी बंगाल का बंटवारा करना चाहती है। जहां तक नीति आयोग की बैठक का सवाल है तो ममता उस बैठक में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा होंगी, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे। ऐसे में हो सकता है दीदी गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए भी आवाज उठाएं। टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा तो कुछ ऐसी ही हिंट दे रहे हैं। नीति आयोग में आवाज उठाएंगी तो आप समझ लीजिए इसके अंदर बहुत गहराई है, हुई है बहुत ज्यादतियां। इस बजट में सबने देखा है कि जिस तरह से अपनी बैसाखियों को या अपने सहयोगियों को खुश करने की या सरकार को चलाने के लिए नहीं पेश किया गया है, बल्कि ये बजट सामने आया है सरकार को बचाने के लिए। अब इंतजार कल का है, जब नीति आयोग की बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी समेत एनडीए शासित प्रदेशों के सभी सीएम होंगे और हॉल में सामने होंगी ममता बनर्जी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज आखिरी दिन भी सदन की कार्यवाही हंगामे की